अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो स्पॉन्सर की गई है हायर की तरफ से। तो आज हमारे किचन में बन रहा है हायर प्रेजेंट्स बारबेक्यू चिकन रैप्स, बहुत ही मजे के, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, चिकन का कीमा लेंगे हम आधा किलो, दो मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए जिनको मैंने चॉप्ड कर लिया, बारबेक्यू सॉस लेंगे हम हसबे जरूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे हम 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे हम 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून और हरी मिर्चें लेंगे 4 अदद जिनको मैंने बिल्कुल पीस लिया, कटा हुआ हरा धनिया लेंगे हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून, नमक लेंगे हसबे जायका, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक लिया है, और ऑयल लेंगे हम 2 टेबलस्पून और कोयला लेंगे हम धुआं देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीमे को हमने अच्छी तरह से मशीन में पीस लिया था, अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई हरी मिर्चें, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सारी चीजों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद साथ ही हम इसमें ऑयल डाल देंगे। चलें और मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, एक तवा ले लेना है, ठीक है, फ्लेम ऑन करेंगे। हायर की इस होम में है फ्लेम फेलियर डिवाइस जो गैस की लीकेज से बचाती है और जिससे मैं और मेरी फैमिली महफूज रहते हैं। तो अब एक तवा ले लेंगे। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करने के लिए, इसको हम ब्रश से सारा ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे आप ग्रिल में भी बना सकते हैं, तवे पे भी, पैन में भी। तो मैं, ये बड़ा तवा था तो इसमें तवे पे बना रही हूँ। अब तो हमने क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना और कबाब बना के तवे पे रखते जाएंगे। तो ये हम रखते जाएंगे। आप चाहे सिर्फ चिकन को भी ग्रिल कर सकते हैं, ठीक है, चिकन के ब्रेस्ट ले लें, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े कबाब स्टाइल का बना रही हूँ जो आजकल मैकडोनल्ड में बहुत फेमस है। पहले वालों की हम साइड चेंज कर लेंगे। अब जो हमने साइड चेंज किया है इसके ऊपर हमने बारबेक्यू सॉस ब्रश करनी है इस तरह। अब इनकी भी साइड चेंज कर लेंगे। अब इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, इस पर भी लगा देंगे। साइड चेंज करेंगे। तो वो सारे कबाब हो चुके हैं, अब हम इन्हें कोयले का धुआं देंगे। कोयले का धुआं देने के लिए हम इसे फिर से तवे पे डाल देंगे। और एक फॉइल रख लेंगे सेंटर में और इसके ऊपर हम गर्मा गर्म कोयला रख देंगे और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे।
और इसको कवर कर देंगे। जैसे धुआं खत्म होगा तो हम इसका कवर उठा देंगे। तो ये देखिए ये हो चुका है, और कोयले को हम निकाल लेंगे। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, जब रैप्स हमारे रेडी होंगे तो खाने में क्या मज़ा आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, रैप्स जो है ना उनको हम थोड़ा ग्रिल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रिल पैन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन ले लिया है, और ये टोटियाज ब्रेड है, मतलब टोटिया ब्रेड मैंने आपको काफ़ी बार बनाना सिखाई हुई। आप सर्च करें टोटिया ब्रेड बाय किचन विद आमना तो आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आप टोटिया ब्रेड नहीं बनाना चाहते तो नॉर्मल घर की रोटी होती है ना उससे भी आप रैप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं और ग्रिल पैन को गर्म कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ग्रिल पैन, अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप पैन में तवे पे भी गर्म कर सकते हैं इस ब्रेड को। तो अब हम एक ब्रेड लेंगे, इसको हमने बस हल्का सा गर्म करना है। ये देखिए ये हो गया ना ज़बरदस्त। तो ये अच्छे से गर्म हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे करते जाएंगे। तो अब हम रैप्स रेडी करते हैं। तो एक ब्रेड लेंगे और इस पे हम रखेंगे सलाद के पत्ते कटे हुए, साथ में ये कबाब, साथ में ये दो कबाब रखेंगे हम, और ये खीरे कटे हुए, टमाटर स्लाइस में कटा हुआ, और आप चाहें तो आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी इस पे टमाटो केचप डाल दें और बारबेक्यू सॉस डाल दें, और अब इसको हम रैप कर लेंगे। इस पे हम ये स्टिक लगा देंगे। चल तो ये एक रैप्स रेडी है, इसी तरह हम दूसरा कर लेंगे। सलाद के पत्ते कटे हुए, कबाब रखेंगे, खीरे, केचप, थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस, इसको रैप करेंगे। चलें तो तैयार हैं हाई प्रेजेंट्स बारबेक्यू चिकन रैप्स। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली आप बच्चों को बना के दें। वैसे ही लॉकडाउन हो गया तो आप बच्चों को ये बना के दें, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, बल्कि बच्चों के साथ मिल के बनाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त बनी है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये हाई प्रेजेंट्स बारबेक्यू चिकन रैप्स की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।